नमस्कार बच्चों, तो मैं अभी भिखारी नामक जो पाठ पढ़ाने जा रही हूँ जिसके रचयिता रविंद्रनाथ ठाकुर जी हैं, और इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि बुढ़िया किस प्रकार एक बालक की देखभाल करती है। सहृदयता के साथ लालन पालन करती है, मगर जो सेठ जी थे, धनी सेठ जी, वे किस प्रकार एक अंधी बुढ़िया के साथ कपटपूर्ण व्यवहार करते हैं और उसका पैसा देने से इनकार करते हैं। जबकि ये अंधी बुढ़िया जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो क्या है, कबोध बालक का देखभाल करती है। तो देखो, अंधी बुढ़िया प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर जाकर खड़ी होती, दर्शन करने वाले बाहर निकलते तो अपना हाथ फैला देती और विनती किया करती, बाबूजी अंधी पर दया हो जाए। तो यहाँ पे अंधी बुढ़िया कहाँ जाती थी, भीख मांगने के लिए मंदिर के दरवाजे पर जाती थी, मंदिर के बाहर खड़ी हो जाती थी और भिक्षा मांगती थी। और आदमी लोग जो भी मंदिर में क्या है पूजा करने जाते थे, उसे कुछ दक्षिणा दान दे दिया करते थे। वो जानती थी कि मंदिर में आने वाले सहृदय और दयालु हुआ करते हैं। तो मंदिर में जो पूजा करने आते हैं ना, उनका दिल काफ़ी बड़ा होता है, दयालु लोग जाते हैं मंदिर में, जाकर कुछ दान दक्षिणा भी दे देते हैं। उसका यह अनुमान असत्य ना था, जो भी आते थे क्या है, कुछ ना कुछ क्या है दान अवश्य बुढ़िया को करते थे। आने वाले दो चार पैसे उसके हाथ पर रख ही देते थे, जो भी क्या है मंदिर आते थे कुछ ना कुछ पैसे उसके हाथ देकर जाते थे। बुढ़िया उनको अनेक दुआएं देती, तो जो उन्हें पैसे देते थे उन्हें क्या देती थी, वह दुआएं देती थी और उनकी सहृदयता को सहारती। स्त्रियां भी उसके पल्ले में थोड़ा सा अनाज डाल जाया करती, तो स्त्रियां जो आती थी उन लोग क्या करते थे, उस अंधी बुढ़िया को कुछ अनाज देकर जाती थी। सुबह से शाम तक वह इसी प्रकार हाथ फैलाए रहती थी। तो मंदिर वह कब आती थी, सुबह आती थी, शाम तक वह मंदिर के बाहर ही रहती थी। तो सुबह से शाम तक वह भीख मांगती थी, इसके पश्चात मन ही मन भगवान को प्रणाम करती और अपनी लाठी के सहारे अपनी झोपड़ी की राह पकड़ती, और फिर शाम होते ही वह क्या करती थी, अपने घर लौट पड़ती थी। झोपड़ी के समीप पहुंचते ही, जब वह झोपड़ी के समीप पहुंचती तो वहां पे 10 वर्ष का एक बालक था, 10 वर्ष का एक लड़का उछलता कूदता आता और उससे चिपट जाता। आते ही क्या है, वो बालक जो है दौड़कर आता और माँ कहकर, उसी को माँ कहकर पुकारता था, तो उससे आते ही क्या है उसके साथ चिपट जाता था। वह टटोल कर उसके मस्तक को चूमती, बच्चा कौन है, किसका है, कहाँ से आया है, इस बात से कोई परिचित न था। तो कोई नहीं जानता था कि वह बालक कौन है, कहाँ से आया है, किसी को नहीं मालूम था कि बालक किसका है, कहाँ से आया है, किसी ने कभी खबर लेने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि वो जो अंधी थी वो उसे बहुत प्यार से पाल रही थी। 5 वर्ष हुए, पास पड़ोस वाले ने उसे अकेला देखा था। तो पिछले कितने सालों से वह बालक बुढ़िया के पास रहता है, 5 साल से, ठीक है ना, पिछले 5 वर्ष से बालक जो है बुढ़िया के पास रह रहा है। 5 वर्ष को अंडरलाइन कर लोगे। उन्हीं दिनों एक संध्या समय लोगों ने उसकी गोद में एक बच्चा देखा। तो 5 साल पहले अचानक से बुढ़िया की गोद में एक बच्चा देखा, वह रो रहा था, आंधी उसका माथा चूम चूम कर उसे चुप करने का प्रयत्न कर रही थी। तो आंधी उसे क्या है चुप कराने की कोशिश कर रही थी। वह कोई असाधारण घटना न थी, अतः किसी ने भी नहीं पूछा कि बच्चा किसका है। तो अंधी जिस प्रकार से बालक को प्यार कर रही थी, इसीलिए किसी ने यह नहीं सोचा, मन में सोचा कि बुढ़िया से पूछे कि यह बालक किसका है। उस दिन से वह बच्चा उसके पास था और प्रसन्न था। तो उसी दिन से क्या वो बालक जो है बुढ़िया के पास है, बच्चा भी जो है बुढ़िया के पास काफ़ी प्रसन्न है।
उसको वह अपने से अच्छा खिलाती और पहनाती। तो गुड़िया जो है बच्चे को बहुत अच्छा मतलब कपड़े लेकर आती थी, अच्छा पहनाती भी थी और अच्छा खाना भी खिलाती थी। जो भी लाती थी बच्चे को पहले सबसे पहले खिलाती थी। गुड़िया ने झोपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी। तो उसका जो झोपड़ी था वो क्या कहाँ रहती थी, झोपड़ी में रहती थी। तो झोपड़ी में ही उसने एक हांडी जो है गाड़ रखी थी, जो कुछ मांग कर लाती उसमें डाल देती। तो वो क्या है, भिक्षा करके भीख मांग कर जो भी लाती थी उस हांडी में डाल दिया करती थी और उसे किसी वस्तु से ढाँप देती। तो फिर क्या करती थी, किसी वस्तु से जिससे किसी की नज़र ना पड़े, इसीलिए उस हांडी को किसी वस्तु से ढाँप देती थी ताकि दूसरे व्यक्तियों की दृष्टि उस पर ना पड़े, जिससे किसी की दृष्टि ना पड़े इसीलिए क्या करती थी, उसे ढाँप देती थी। खाने के लिए अन्न काफ़ी मिल जाता था, उससे काम चलता थी। पहले बच्चे को भरपेट खिलाती फिर स्वयं खाती। देखो उसे भिक्षा में क्या है, काफ़ी अन्न मिल जाता था। जो अन्न मिलता था उससे क्या है, वह खुद और बच्चे दोनों का पेट भर जाता था। ठीक है, अन्न काफ़ी मिल जाता था और पैसे जो मिलता था उन पैसों को वह क्या करती थी, वह हांडी में रख देती थी। रात को बच्चे को अपने वक्ष से लगाकर वहीं पड़ी रहती। रात को क्या करती थी, बच्चे को अपने साथ अपने छाती में चिपका कर सोती थी। ठीक है, वो उसे अपने बच्चे की तरह पालती थी, जिससे बच्चा घबरा ना जाए बच्चे को क्या है अपने वक्ष से चिपका कर वह सोती थी। प्रातःकाल होते ही फिर मंदिर के द्वार पर जा खड़ी होती। तो फिर रात को खाना पकाती, खाते दोनों मिलकर खाते, फिर सुबह फिर क्या है फिर से वह मंदिर के द्वार पर चली जाती थी, द्वार पर खड़ी हो जाती थी। किस लिए, ना कि मांगने के लिए। उसके पास काफ़ी रुपए हो गए थे। तो अब क्या है, देखो रोज भीख मांगने जाती थी तो अब उसके पास काफ़ी रुपए जमा हो गए थे, जिससे हांडी लगभग पूरी भर गई थी। अब क्या है, पैसे जमाते जमाते थे वो हांडी पूरी हो गई, मतलब काफ़ी पैसे जमा हो गए थे। उसको शंका थी कि कोई उसको चुरा ना ले, उसे क्या है भय था, डाउट हो रहा था कहीं कोई चुरा ना ले। बहुत मुश्किल से क्या है वो पैसे उसने जमाए हैं जिससे चोरी ना हो, इसलिए वह सोचती है क्यों ना इस पूंजी को किसी के पास रखा है। एक दिन संध्या समय अंधी ने वह हांडी खाड़ी और अपने फटे हुए आंचल में छिपा कर सेठ बनारसी दास की कोठी पर जा पहुँची। तो फिर एक दिन क्या होता है, संध्या के समय उस हांडी को अपने आंचल से छिपाती है और उसी गांव में सेठ बनारसी दास, बनारसी दास नाम याद करना, ठीक है। तो सेठ बनारसी दास की कोठी पर वह कहाँ पहुंच जाती है, उनके घर पहुंच जाती है। काशी में सेठ बनारसी दास बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे। तो बनारसी दास कहाँ रहते थे, काशी में, ठीक है, काशी में उनकी कोठी थी। तो वहाँ पहुंच जाते हैं, वह बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे, बच्चा बच्चा उनकी कोठी से परिचित था, सभी उसके घर को बहुत अच्छे से पहचानते थे। बहुत बड़ा देव भक्त और धर्मात्मा थे। तो ये जो बनारसी दास जी हैं वे बहुत बड़े कौन थे, धर्मात्मा थे, देव भक्त थे। देव भक्त मतलब भगवान को पूछने वाले थे और बहुत बड़े धर्मात्मा थे। तो वह सोचती है क्यों ना इस पूंजी को मैं बनारसी दास के पास जमा करूँ। आशा करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, बाकी मैं आपको पार्ट 3 में समझाऊंगी। धन्यवाद।